यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जीटीयू ने फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर, कोई भी एक सेमेस्टर में 40 से लेकर के 70% कॉलेज के अंदर यूएचपी इंट्रोड्यूस किया। आप बोलोगे सर सभी कॉलेज में क्यों नहीं, तो यूएचपी के और में आईपीडीसी भी सब्जेक्ट है, तो कोई कोई कॉलेज आईपीडीसी दे रही, कोई कोई यूएचपी दे रही है। अब यूएचपी की पेपर स्टाइल फिक्स नहीं थी, वैसे तो जीटीयू के अंदर बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में पेपर स्टाइल 7, 4 एंड 3 मार्क्स की रहती है, उसमें सम्स भी आ सकते हैं, थ्योरी भी आ सकते हैं, लेकिन यूएचपी पहली बार इंट्रोड्यूस किया था तो खाली सिलेबस था, कौन सी पेपर स्टाइल होगी वो कुछ पता नहीं था। तो फाइनली यूनिवर्सिटी का एक सर्कुलर आया है, अब यहां से बच्चों को कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में आपको आज इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जीडीयू के अंडर की कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, हमारे कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सर्वे का हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब ये जो सर्कुलर है उसको हम धीरे से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। जीटीयू हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम 2024-25, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें न्यू सिलेबस तो बोला है, लेकिन एक्चुअली में सब सब्जेक्ट्स में सब न्यू नहीं है, है ना। दो चैप्टर मर्ज कर दिए, एक को दूसरे में डाल दिया, दूसरे को इसमें डाल दिया, ऐसा किया है। खाली यूएच में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नया लाए हैं ये लोग, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, है ना, हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय यूनिवर्सिटी फॉर बीई स्टूडेंट्स। देर विल बी 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके पेपर के अंदर 35 एमसीक्यू होंगे, एक एमसीक्यू के 2 मार्क होंगे, है ना, 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे आपकी गुडसेट की एग्जाम थी, लेकिन गुडसेट में एक क्वेश्चन का 1 मार्क था, नीट में एक क्वेश्चन के 4 मार्क थे, वैसे सेम टू सेम इसमें एक क्वेश्चन के 2 मार्क हो गए, 4 ऑप्शन हो गए, ईच क्वेश्चन विल कैरीज 2 मार्क, मतलब 35 × 2 = 70 मार्क की आपकी एग्जामिनेशन हो गई। टोटल मार्क फॉर द एग्जामिनेशन पेपर विल बी 70, है ना, टोटल मार्क आपके 70 रहेंगे। देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब सर्कुलर में इतना लिख दिया, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत बार बच्चे सब्जेक्ट्स को लाइटली ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं इसके अंदर। अब समझो, थर्ड सेमेस्टर में भी एक ऐसा सब्जेक्ट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो क्या है कि कॉलेज वाले पेपर चेक करते हैं, है ना, कॉलेज वाले पेपर चेक करते हैं तो भी 100% रिजल्ट नहीं आता। ऐसे पहले उससे आगे के सालों में फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट था एनवायरमेंटल साइंस, उसमें भी ऐसा ही था, है ना, कोई क्रेडिट नहीं थी तो भी बच्चे पास नहीं होते थे, क्योंकि जब आपको कोई चीज की वैल्यू ना बताई जाए तो आप उसको करते ही नहीं हो, अगले दिन पढ़ने बैठते हो और फिर फंस जाते हो। अब हमें यहाँ पे फंसना नहीं है, क्यों, अगर यूएचबी के अंदर थ्योरिटिकल एग्जाम आती तो थ्योरी के एग्जाम एक्चुअल में एमसीक्यू से बहुत ईजी होती है, आप सबको पता ही, आप हर बार फंसे कहाँ पे हो एमसीक्यू में, रीजन थ्योरी के अंदर मान लो 7 मार्क की कोई थियोरी आई, आप कुछ ना कुछ लिख के आए तो एटलीस्ट 1-2 मार्क तो मिले। अब एमसीक्यू के अंदर एक एमसीक्यू है 2 मार्क, और 2 मार्क में से आप कुछ भी टिक करके आए, सही नहीं निकला तो आपके एक भी नहीं आधा भी नहीं मिलेगा, ये तो अच्छा है नेगेटिव मार्क नहीं है, अगर नेगेटिव मार्क होते तो अपनी तो यहाँ पे वाट ही लगती। तो इसके लिए अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ेगी, पहले प्रॉपर थियरी को समझो और फिर उसके एमसीक्यू करने पड़ेंगे। अब दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मार्केट में यूएचबी की बुक नहीं आने वाली, मोस्ट प्रोबेबली चांस ऐसे नहीं आने वाली, मटेरियल गूगल में से भी यूएचबी का नहीं मिल रहा है क्योंकि पहली बार कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, तो ये लोग सब कुछ नया तो ला देते हैं लेकिन मटेरियल नहीं मिलता है यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म प्रिय सर विद्यापीठ पे तो हमने कोर्स लॉन्च भी कर दिया था, है ना, 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ भी रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे थे, उनकी मिड सेम में भी थ्योरी पूछी उन लोगों को, उनको सब समझ में आता था थ्योरी में। अब यहाँ पे वापस सवाल आया एमसीक्यू, तो कोई भी चीज में अगर आप गुडसेट की प्रिपरेशन करते तो आपको पता था पहले आप थ्योरी को समझते थे फिर एमसीक्यू लगाते थे, सीधे एमसीक्यू लगाने जाओगे तो यूएचबी सब्जेक्ट ऐसा है क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन आपको सही ही लगेंगे, है ना, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है ना। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला कौन सा है और 4 अलग अलग लॉ के फॉर्मूला दिया और आप निकाल लो, यहाँ पे तो आपको सवाल पढ़ोगे ना 4 ऑप्शन सेम ही लगेंगे, तो आपका काम बढ़ेगा, आपको थियरी प्रॉपर करनी पड़ेगी कंसेप्ट के साथ, है ना, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, है ना, अभी हम थियरी तो लिखने नहीं वाले तो रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, तो थियरी समझनी है फिर एमसीक्यू सॉल्व करने है। अब जो भी स्टूडेंट कोर्स के अंदर है उनको मैं बता दूं, आप थियोरी तो अच्छे से कर रहे हो, हमारी टीम ये सर्कुलर आने के आधे घंटे के बाद काम में लग गई एमसीक्यू जुटाने में, तो आपको कोर्स के अंदर एमसीक्यू की पीडीएफ भी मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी, तो आपको तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपने कोर्स बाय किया है तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिय सर विद्यापीठ के सारे टीचर्स की है, आपको थियरी हर एक चैप्टर में समझाई जाएगी जैसे पहले समझा रहे थे भूमि में वैसे ही, आपको पीडीएफ फॉर्म में एमसीक्यू मटेरियल दिया जाएगा जो आपको थियोरी समझ के सॉल्व करना रहेगा, है ना, तो वो करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैं आप सबको बोलूंगा एमसीक्यू एग्जाम बहुत घटिया एग्जाम होती है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको आधा मार्क 0.25 कुछ नहीं मिलता, सही तो सही गलत तो अच्छी भी है,
है ना, जिनको बहुत कॉन्फिडेंस है, गुड सेट में 120 वाले, 120 वाले भी है बच्चे, और गुड सेट में नेगेटिव वाले भी इस बार बहुत ज्यादा बच्चे हैं। नेट में आप देख लो नेगेटिव वाले कितने बच्चे थे, जीरो मार्क वाले कितने बच्चे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट्स की अहमियत है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है ना। इसको ऐसा मान के मत चलना एमसीक्यू है, क्वेश्चन लिखा होगा, चार ऑप्शन एक टिक तो करना है, चारों सही लगेंगे, टिक कौन सा करोगे? अब टिक करके भी आए वो सही है कि गलत, वो कैसे पता चले? मेरी भी पीएचडी की पहली एग्जाम थी जिसमें ऐसा ही था, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स है ना, पासिंग मार्क 50 ही थे, 50%। तो अभी मैं पास नहीं हुआ था, मैं भी बिना पढ़े चला गया था है ना, मैं भी रह गया था, 41 मार्क आए थे, 9 मार्क्स से रह गया था। उसके बाद मुझे पता चला एमसीक्यू एग्जाम को कभी हल्के में नहीं लेते। फिर प्रिपरेशन करके गया, थर्ड नंबर आया जो भी एंट्रेंस एग्जाम थी ना उसके अंदर। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जरा सी भी चूक नहीं है। यूएचबी के कोर्स में ज्वाइंट होना है, डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक है, आप ज्वाइंट हो सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एक आईपीडीसी खाली नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, आप कोर्स में ज्वाइंट हो सकते हो। इस बार तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, बच्चों के जो एग्जाम मिड सेम एग्जाम के बाद जो रिव्यू आ रहे हैं वो भी हम वहाँ पे डाल रहे हैं। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना, ये एक नई पेपर स्टाइल आई है उसके बारे में ही ये था है ना। और मिड सेम के आईएमपी के वीडियोस भी वन बाय वन आ रहे हैं, नहीं देखे तो चैनल पे जरूर देख लेना। मिलते हैं ऐसे कोई नई अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।